जो प्रिंट हो चुके हैं उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि आपके जो लेटर है, आपके जो फॉन्ट्स है, आपके अंदर कोई डिफेक्ट्स वगैरह नहीं है, वो सब हम लोग इसमें चेक करते हैं। और साथ में कुछ स्क्रैचेस आए हैं नहीं आए हैं, जैसे अगर कुछ आते हैं तो सिस्टम वहाँ पे अलर्ट करता है कि कौन से लेवल पे ये फॉल्ट आया है। हमारी एडवांस मशीन्स जो अलग अलग होती है उसमें ये भी है कि वो मार्कर भी कर सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू लेवल एक्सपो 2022। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जहां पर आपको लेवल प्रिंटिंग के लिए काफ़ी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारी मशीनरीज मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं या इस तरह की मशीनरीज़ की आपको ज़रूरत है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर? तो मेरा नाम रोहित मेहता है, मैं पुलिसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग जो है डिजिटल मशीन बनाते हैं। डिजिटल में जो है एडवांटेज ये है कि आप आपको समझो 200 लेबल है, 300 लेबल है, आपने एक साथ पे कंबाइन करके एक बड़ा सा रन ले लिया और उसको आपने कस्टमर को दे दिया। तो आजकल जो है आपको नए ब्रांड जो आ रहे हैं सबको अपने अपने लेबल की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको कैटर कर सकते हैं। अच्छा, मेनली आप डिजिटल प्रिंटिंग में वर्क करते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग के लिए सॉल्यूशंस देते हैं? हाँ, मेनली डिजिटल के लिए है हमारा। अच्छा। और इंस्पेक्शन मशीन भी है हमारी। यहाँ पर कहाँ ऑफिसेज कहाँ है आपकी सर? हमारे ऑफिस मुंबई में है और हम उसके अंदर ऑल हमारे सेल्स की टीम जो है वो ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा, जैसे सर इस मशीन की बात करिए, आपने काफ़ी मशीनरी शोकेस करे हैं, इस मशीन के बारे में समझा सकते हैं क्या वर्किंग होते हैं एंड किस तरह की? इसमें जो है यहाँ पे अनवाइंडर है, फिर अंदर आप यहाँ पे जॉइंट लगा सकते हैं, तो आपको रोल टू रोल जो चेंज करना है उसके लिए है। फिर उसके बाद में आपको कोरोना ट्रीटर है, आपको एक फ्लेक्सो यूनिट है, फ्लेक्सो विद यूवी है। तो उसके बाद में आपको डिजिटल के हेड्स हैं, उसमें चार है, उसमें WCMYK है। आपको ऑप्शन भी है कि आप और तीन या चार कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसे आप ओपन नहीं कर सकते? इसको अभी फिलहाल हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा हेड है वो पेटेंटेड है और उसकी खासियत है, हम हमारा खासियत हमारे पास ही रखेंगे। यूनिक मशीन्स है? यूनिक है काफ़ी, क्योंकि इसमें जो है नोजल है वो 3200 नोजल्स हैं और जो है वो ओवरलैपिंग है, उसकी वजह से जो है जो फाइननेस आती है प्रिंटिंग में वो बहुत ही बढ़िया आती है। सेकेंडली ये जो हेड है इसमें यूवी वार्निश भी यूज़ किया जा सकता है, तो यूवी वार्निश के लिए जो आपको रेज्ड इफेक्ट चाहिए और हायर इफेक्ट चाहिए, फाइन यूवी वार्निश चाहिए, वो इस पे आती है जो फ्लेक्सो में नहीं आती। अच्छा। और फिर उसके बाद में आपको आया है अगर आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्लेक्सो से भी आपको वार्निश करनी है तो वो फ्लेक्सो यूनिट भी यहाँ पे है। हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें कोल्ड फॉइलिंग या रोटरी डाई कटिंग वो सब भी आप लगा सकते हैं। तो साइजेस भी अलग अलग है मशीन की, तो उसमें ये रहता है कि आपको विड्थ वाइज कौन कौन से कितने लेबल्स चाहिए, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे हम मशीन को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्या जैसे अगर रनिंग की बात करें क्या रेट क्या रहते हैं सर? इसका रेट तो काफ़ी डिपेंड करता है क्या आप लेंगे, बट जनरली स्टार्ट करेगा अबाउट $450,000 से। जैसे बजट की बात करें तो वो उस तरह का बजट है? हाँ, वो उस हिसाब से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमको प्लस एंड माइनस करने हैं उसमें, उसके ऊपर रहता है, तो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे सर अभी काफ़ी एक लंबी हेड के हैं, 5-6 हेड के इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर बल्क में जहाँ पर लेवल प्रिंटिंग हो वहाँ पर, उस मशीन्स में और इस मशीन्स में अगर डिफरेंस की बात करें किस तरह के डिफरेंस हो जाते हैं? जो फ्लेक्सो रहती है उसमें जो है आपको लॉन्ग रन रहता है, आपको जो टाइप के आप जैसे शैम्पू बॉटल्स है, कंटेनर्स है, आपको 5 लाख लेबल लगा, 5 लाख है, 6 लाख है या 1-2 लाख लेबल आपको छापने हैं उसके ऊपर करने हैं, तो फिर बाद में आपको फ्लेक्सो चाहिए होता है क्योंकि उसमें आपको रिपीट प्रिंटिंग चाहिए होती है। डिजिटल में जो है जैसे मैंने कहा कि आपको अगर 200-300 ऑर्डर किसी एक कस्टमर का है, 500 किसी 500 किसी और के आए, आपने कंबाइन करके एक कर दिया, प्लस आपको उसमें वेरिएबल प्रिंटिंग चाहिए, आपको अलग अलग नाम डालने हैं या बारकोड है, आपको बारकोड को अलग अलग नंबर देने हैं, तो वो सब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिजिटल में ही आती है, फ्लेक्सो में नहीं आती। अच्छा, मतलब ये है कि इसमें जैसे फ्लेक्सो प्रिंटिंग की बात करें, अगर आप किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने हेड बनाया, एक फिक्स हेड बनाया और उसके अकॉर्डिंग आप
लेवल बना रहे हैं। एक ही बार आपने लॉन्ग रन के लिए करना है तो वो फ्लेक्सो है, आपको शॉर्ट रन करना है तो डिजिटल है। अच्छा। और डिजिटल में जो क्वालिटी आती है अभी वो काफ़ी अलग और यूनिक है, आप अच्छे डिफरेंट साइड में आप उसमें आप और एडवेंचरस हो सकते हैं। अच्छा। आप थोड़ा आर्टिस्टिक हो सकते हैं उसमें, तो कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये जो मशीन है ये हमारी इंस्पेक्शन मशीन है, इसमें जो है कि जो लेबल्स है जो प्रिंट हो चुके हैं उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि आपके जो लेटर है, आपके जो फॉन्ट्स हैं, आपके अंदर कोई डिफेक्ट्स वगैरह नहीं है, वो सब हम लोग इसमें चेक करते हैं। और साथ में कुछ स्क्रैचेस आए हैं नहीं आए हैं, जैसे अगर कुछ आते हैं तो सिस्टम वहाँ पे अलर्ट करता है कि कौन से लेवल पे ये फॉल्ट आया है। हमारी एडवांस मशीन्स जो अलग अलग होती है उसमें ये भी है कि वो मार्कर भी कर सकता है। दूसरी एक और मॉडल है जिसमें हम उसमें लेबल को रिप्लेस भी कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। और यही हमारा दूसरा है इंस्पेक्शन मशीन, जनरली फ्लेक्सो के लिए रहती है, डिजिटल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फ्लेक्सो के लिए आफ्टर आपका हो जाता है प्रिंटिंग उसके बाद में इसे पास किया जाता है। तो ये फ्लेक्सो प्रिंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये मशीन आप वहाँ पर लगा सकते हैं। हाँ, ये भी चाहिए होती है, फिनिशिंग मशीन में से माना जाता है, जिसमें कि आपने जो प्रिंटिंग की है उसमें कुछ भी डिफेक्ट है ताकि आप कस्टमर को ख़राब माल ना दे, तो उसके लिए होता है। तो सर जैसे अगर कोई ये मशीन या इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, कैसे आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हम अगर किसी को आना चाहेंगे तो पहले तो ये होता है कि उनको अपने कस्टमर्स को देख लें, कौन से टाइप के कस्टमर्स हैं, उनके क्या क्या जॉब हैं, उसके बेसिस पे क्या क्या रन कितने छोटे हैं बड़े हैं क्या है, फिर आपको देखना पड़ता है कि आपके फाइनेंसेस क्या हैं, आप कितना खर्चा कर सकते हैं पैसे, उसके बेसिस पे आप मशीन लेते हैं। हमारे हिसाब से तो पुलिसी की जो ब्रांड है वो काफ़ी अच्छी एंट्री लेवल पे गुड क्वालिटी है, इट इज़ नॉट एवरेज क्वालिटी। हमारे जो सारे जो हेड्स हैं सब कुछ है वो काफ़ी पेटेंटेड हैं, दुनिया में माने जाते हैं, तो इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट इनटू डिजिटल। तो ये आप जैसे अगर किसी को कहीं पर इंस्टॉलेशन करवाना है, आपके सर्विस इंजीनियर जाते हैं वहाँ पर इंस्टॉल करके सारा एक टन की सॉल्यूशंस आप देते हैं? हमारे सर्विस इंजीनियर जाके इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है 95% ऑफ द टाइम सारा ऑनलाइन ही हो जाता है और कुछ आपको करना नहीं होता है। जो 5% है वो तो सिर्फ मतलब जो पार्ट्स अगर कुछ ख़राब हो गए उसको चेंज करने हैं, वो 5% है। अच्छा। बाकी सब ऑनलाइन सिस्टम है, आप कंप्यूटर को उस वक्त वाईफाई पे सेटअप कर लीजिए एंड हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे देख के आपको कर लेंगे, फॉल्ट डिटेक्ट करके। आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन भी दे देंगे या ऑफलाइन? अगर आप ऑनलाइन भी दे देंगे, हमारे पास वीडियोज़ ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो आपको उधर ही समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे करना है कैसे। हाँ, बट जो ऑपरेटर की खासियत होती है समझने के लिए वो एक स्किल चाहिए होता है, बाकी इट इज़ वेरी इजी। ये जो मशीन है आपने सीधा लिया उसके अंदर कंप्यूटर प्लग इन किया, हाफ एन आवर के अंदर ये मशीन हो जाती है। ये वाली जो मशीन है जो आपने डिजिटल पहले देखी उसको एक दो दिन इंस्टॉलेशन में लगता है क्योंकि बड़ी मशीन है, सारी वायरिंग और एग्जॉस्ट सिस्टम सब लगाना पड़ता है, बट वो भी काफ़ी ईजी। आपने अपना सॉफ्टवेयर है, आपने वहाँ पर लेबल का सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दिया, प्रिंट कमांड दे दिया, हो जाती है प्रिंट। अभी सर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स शोकेस कर सकते हैं जिस पे कॉन्टैक्ट किया जा सके?